इन आई न्यूज में हम आपका खैर मकदम करते हैं कि आपने तो ऐसा हाल कर दिया कि तनख्वाह देने को पैसे नहीं है। आपको दिखाई नहीं दे रहा था या किताबों में लिखा हुआ नहीं था, और इनकी ये नाकामी है इसलिए तो आप कोड़ दिया ना उन्हें, नहीं भाई सिलेंडर मिल रहा, नहीं भाई फाई गारंटी मिल रही, नहीं भाई ये मिल रहा, सब लाइन में ठहरे हुए, चिलचिलाती धूप है, मुझे वैसी दिख रहा था, मिस्टर मोदी का डिमोनेटाइजेशन भी है वैसी दिखा, और ये आपकी गारंटी की दरखास्तें भी वैसी दिखी। देन ऑल्सो देन चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब उठे और बोले मुझे, अकबर साहब आप बेफिक्र रहिए, एक भी पैसा हमारा नहीं जाएगा। और फिर एक दो साल के बाद वही केसीआर साहब बोले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे नहीं दे रही। चला गया राजशेखर रेड्डी साहब, वी विद अ डेलीगेशन वेंट टू दिल्ली सर, वी सॉ द मेट्रो, और उसके बाद में मेट्रो हैदराबाद को आया। मेट्रो को जो लाया उसके एरिया में छुक छुक नहीं है, मेट्रो नहीं है, पूरे शहर में फिर रही है। इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या होना है सर? ठीक है हमको नहीं दिए ना, हम पैदल चलते थे पैदल चलने में ही खुश है, हम साइकिल पे थे साइकिल में ही खुश है, हम रक्षे में थे हम रक्षे में ही खुश है, मगर पुराने शहर के लोग मुंतजर हैं, समझ रहे हैं कि आप लाएंगे मेट्रो। प्लीज मेट्रो को लाइए सर। सर बिफोर गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ द बजट, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वक्त तेजी से जा रहा है और 7 महीने हो चुके नए हुकूमत की तश्कील के, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि असेंबली इलेक्शन के फौरन बाद पार्लियामेंट इलेक्शन आया और सारी सियासी जमातें उस इलेक्शन में मसरूफ हो गई, और इस बात से भी कोई इनकार नहीं करता कि एक नई हुकूमत को संभलने समझने और फैसले लेने के लिए वक्त भी दिया जाना जरूरी है। वादे तो किए गए थे 100 दिन में गारंटीज को पूरा करने की, लेकिन 1 महीना ही हुआ है पार्लियामेंट के इलेक्शन होकर, तो मैं अपनी जानिब से अपनी पार्टी की जानिब से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम हुकूमत को तनखीद का निशाना बनाए बगैर ये समझते हैं कि वक्त देना ज़रूरी है, और कुछ वक्त ज़रूर देंगे आप अपने वादों को पूरा करने के लिए जो आपने आवाम से किया, और वक्त ही फैसला करेगा, और वक्त के साथ फैसला आवाम के हाथ में होता है। चाहे कोई भी इख्तदार में रहो, मैं किसी की तरफदारी या किसी की मुखालिफत के लिए आज यहां खड़ा नहीं हूं, चाहे बीआरएस हो या बीआरएस से पहले कांग्रेस हो या फिर तेलुगुदेशम थी आंध्र प्रदेश में, तो हर हुकूमत की कोशिश यही रहती है कि काम हो और अच्छे काम हो। कोई अच्छे काम भी करता है तो कोई खराब या बुरे काम भी करता है, लेकिन आखिर में फैसला आवाम देती है और आवाम फैसला करती है कि किसको हुक्मरानी का हक व इख्तियार दिया जाना चाहिए। काम बीआरएस ने किया, मैं सुन रहा था तकरीर हरीश राव साहब की, कई कामयाबियों को उन्होंने बयान किया कि उनकी जानिब से उनकी पार्टी की जानिब से हुए, लेकिन आवाम ने फैसला दिया कि कांग्रेस को मौका दिया जाएगा, वो हुकूमत करेगी और आवाम की खिदमत करेगी। तो मैं आज अपनी तकरीर को जारी रखते हुए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब विक्रमा भट्टी साहब को मुबारकबाद देता हूं कि वो पहला बजट अपना उन्होंने पेश किया, और ये भी जरूर कहूंगा कि 107 पेजेस का एक मैराथन बजट उन्होंने पेश किया। एंड आई वुड आल्सो लाइक टू रिमाइंड एंड रिकॉल एंड से दिस दैट भट्टी साहब हैज बीन द मेंबर ऑफ द हाउस सिंस 2009 एंड ही हैज सर्व्ड
as a chief whip, and also he has served as a deputy speaker in the United Andhra Pradesh, and also as a Congress floor leader in Telangana Assembly in the last 5 years. He is a man of a wide experience. He has tried to prepare the Telangana state budget to the best of his ability. I may say that he has lot of insight into the financial situation of the Telangana government since the formation of the state, as he has participated in the debates in this house earlier under the leadership of Jana Reddy Saab and later as the floor leader of the Congress. Now Bhatti Saab says that 10 years after its formation, Telangana has not progressed as expected. He says that the previous government failed on all fronts, and development of the state and the welfare of the people suffered, and the state was pushed into a debt trap. He points out that it was a huge challenge for the new Congress government to manage the state, which was in financial shambles. Sir, when I say this, I would also like to say that the financial situation of the state was not hidden. It was very open. Every budget session we used to debate on that. Every appropriation bill we used to have a discussion, and a healthy discussion. I still remember and recall, I was also in the house when Mr. Jana Reddy Saab was a LOP that time, leader of opposition. I remember him using a sentence and saying that the state is in a financial emergency state. So I don't understand. When I was coming to attend the assembly, sir, I was hearing Harish Rao Saab's speech, and then I was also hearing a reply by the finance minister. He was saying in Telugu, if I have to translate, uska matlab ye tha ki aapne to aisa hal kar diya ki tankha dene ko paise nahi hai. To sawal ye paida hota hai, ye situation aapko malum nahi tha, aapko dikhai nahi de raha tha, या किताबों में लिखा हुआ नहीं था? था, ये फाइनेंशियल सिचुएशन है और इनकी ये नाकामी है, इसलिए तो आपको ओढ़ दिया ना, इसलिए तो आपको वहां बिठाया. ये फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए, सीइंग द फाइनेंशियल सिचुएशन, यू हैव प्रॉमिस्ड टू द पीपल ऑफ द स्टेट के वी विल डू दिस, वी विल डू दिस, वी विल गिव दिस, वी विल डू दैट, वी विल गिव यू दिस. व्हाटसोएवर हाउसोएवर द फाइनेंशियल स्टेट इज, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू फुलफिल द प्रॉमिस, एंड आई एम श्योर दैट द कांग्रेस गवर्नमेंट विल ट्राई इट्स लेवल बेस्ट एंड फुलफिल ऑल द प्रोमिसज मेड टू द गवर्नमेंट. दिस इज वाई आई सेड के आई बिलीव इन गिविंग टाइम. सर, वेन द फाइनेंशियल स्टेट इज, sir, if this narrative of Mr. Bhatti Saab, Finance Minister Saab, where he says ke debt trap mein hai, aisa hai, waisa hai, so I would like to ask one thing, sir. Again, I was reading the budget speech. In that, if I am wrong, I may be corrected, sir. Sir, the state GSDP rose from 4,51,580 crores. In 2013 and 14, first year of formation of Telangana, sir, I'm repeating, 4,51,580 crores, first year of formation of Telangana, to rupees 14,63,960 crores in the year 23-24, current prices. Sir, going further ahead, similarly, the per capita income of the state rose from 1,12,162 in 2013 and 14 to from 1,12,162 in 2013 and 14 to 3,47,299 in the year 23-24. If I am wrong, I may be corrected. Sir, if the state economy was badly run and the state finances were mismanaged, then how do you explain the progress of Telangana in the last 10 years?
How do you explain it, sir? Sir, I am not coming for a rescue of the BRS party, sir. No, not at all, sir. Sir, I am bringing these figures and giving this message to the investors who are interested to come in the state that our state is progressing, our state's health is very good, you can come, you can invest. But if we are going to just for political gains, target, and you know, just say that this state is in a bad state, state is in a very bad financial state, then how the investors would be coming? Sir, when I say this, sir, when I say this, sir, I'm so saddened. I had seen a picture. I had seen a picture in which I saw that Honorable Chief Minister Saab was handing over the budget ka jo bag hota hai, basta hota hai. He was handing it over to Bhatti Saab. Bhatti Saab was there. Ministers were there. Good. But I'm sure that Honorable Chief Minister Saab also might be part of the preparation of the budget. But I am so surprised, sir. I am so surprised when I spoke about the foreign investment or any investors coming. Sir, Honorable Chief Minister, Mr. Revanth Reddy Saab, I think in one or two occasions, my learned friend, my colleague, my Minister Sridhar Babu Saab also was there with him. He had gone to Davos, right? And we have broken all the records. 40,232 crores of investment had come to Telangana. Am I right or wrong, sir? If I am wrong, Honorable Minister can, you know, rise and interrupt me and stop me from this. So to my surprise, sir, to my surprise, and to the surprise of the House, not a single line has been mentioned in the budget. Are aapka achievement hai saab ye. When I said that kya, I am willing to give you the time. I am willing to give you the time, and you, a new government requires a time to settle down, to take a decisions. But in no given time, you sign an agreement, you get an investment of 40,000, and that 40,000 doesn't have a place in the budget. So don't you think this is a height of ignorance? Don't you think this needs to be corrected? And I'm saddened. I've been hearing the Congress, I've been hearing the finance minister, I've been hearing so many ministers rebutting and countering. But unfortunately, not a single member from the Congress rose and said that, sir, this is our achievement in such a short time. Sir, I would like to bring to the notice of honorable member, sir. Sir, in the month of February, where we had the vote on account session, we mentioned this aspect. We mentioned the achievement of this state. And we were very clear, and we thought, and we have put, this is a broad-based, you know, outlook we have presented on behalf of the government here. And in fact, you know, the additional sentence would have made an impact, that has been rightly be taken, but we have already reflected in our earlier presentation of the budget in the February. I would like to bring to the notice of the kind member. Honorable panel speaker, sir, I thank Honorable Minister, Learned Minister for Legislative Affairs for replying to me. But sir, I have a doubt. He said that it was mentioned. It should have been mentioned here also. So I want to know, I have a thought in my heart. It may be that लोगों के दिल में भी ख्याल होगा कि वो सही नहीं था 40,000, इसलिए इस मर्तबा करेक्शन करके नहीं लिखे. ऐसा तो नहीं है ना साहब, नहीं है ना साहब. वो भी सच था और मैं जो बोल रहा हूं ये भी सच है जी. नहीं नहीं, मैं देखिए, एक एक आपका अचीवमेंट है जिसको आप भूल गए, मैं आपके सामने ला रहा हूं. इसको तनखीद की नजर से ना देखें, इसको तामीर की नजर से देखें. कि मैं आपको कह रहा हूं कि आपका अचीवमेंट है इन अ शॉर्ट टाइम 40,000, सर, इट हैज ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स. सो दिस शुड हैव हैड अ प्लेस इन द बजट.
I know it was mentioned in the Oton account, but many things were mentioned in the Oton account which has been repeated again in this budget also. So this is a mistake which has been done. So let us admit this mistake and say that, yes, we have forgotten, we will correct this, and we'll make sure that when the Honorable Finance Minister gives the reply, he will mention this. Sir, if the state economy was badly run or mismanaged, sir, then these answers needs to be given, sir. So secondly, sir, Bhatti Saab complains that the previous government was inflating the figures and presenting unrealistic budget which sorely missed their targets. This also appears to be somewhat self-contradictory, sir, as the first full-fledged budget presented by him also contains unrealistic targets for the receipts and grants allocations and outlays, sir. So the full budget was presented almost 5 months after the vote on account budget was tabled in the House. The CAG provisional account for the year 23-24 financial year indicate that the state total receipts were 2,18,715 crores and the total expenditure was 2,11,854 crores. Honorable panel speaker, sir, Bhatti Saab has quoted revised estimate for 23-24 while presenting the 24-25 full budget. Sir, I may recall that the Union Finance Minister, Mrs. Nirmala Sitharaman, has presented full-fledged Union budget this month while quoting the provisional account for the year 23-24 financial year. However, Bhatti Saab quotes the revised estimate of receipt of rupees, revised estimate, sir, of rupees 2,26,095 crores and expenditure of rupees 2,31,017 crore for the financial year 23-24, which ends on 31st of March. Sir, if I am wrong, I may be corrected, sir. Sir, if we look at the budget estimate of 24-25, the total receipts are estimated at rupees 2,90,815 crores and the total expenditure is expected to be rupees 2,91,059 crores. The budget estimate for the year 24-25 do not represent a big jump over the revised estimate of 23-24, but they are in fact much higher compared to the actual accounts for the year 2023 and 2024. The only comparative figures in the revised estimate for the year 23-24, as per the Finance Minister Saab, and the account for the 23-24 as per the CAG, relates to the fiscal deficit or total borrowing, which are cited as 49,373 crores by Bhatti Saab and rupees 49,589 crore by the CAG. Bhatti Saab ek bolte hai, CAG ek bolta hai, sir. Sir, I may point out, sir, that the previous government has borrowed 38,151 crore during April-November 2023, sir, and in the remaining 4 months of the last financial year, from December 23 to March 24, the Congress government has borrowed 11,438 crores. If I am wrong, I may be corrected, sir. Now, between April and July 2024, in the current financial year, the borrowings have reached to 23,680 crores. Incidentally, the finance minister says that since coming to power, the Congress government raised 35,118 crores in the last 8 months. There are many inconsistencies and discrepancies in fact and figures that have crept into the 50-page budget speech of the Finance Minister Saab. So the receipts of the state government in 24-25 have been grossly overestimated. Under revenue receipts, the Finance Minister Saab has shown the state's share in central taxes as rupees 26,216 crores and central grants and aid as rupees 21,636 crores. That is total central transfers of rupees 47,852 crores, sir. So now again, Honorable Panel Speaker, sir, however, in 23-24 financial year, the state received only
ओनली 23,216 करोड़ एज शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस एंड रुपीज 9,730 करोड़ एज ग्रांट इन एड टोटलिंग टू रुपीज 32,946. सर, वी डू नॉट नो व्हाट इज द बेसिस ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर साहब एंथुजियाज्म एंड एक्सपेक्टिंग रुपीज 21,636 करोड़ एज ग्रांट इन एड इन द करेंट ईयर. Here he seems to be so enthusiastic. And a day before, we had a discussion and a debate and also a resolution stating that we are not getting our due share. There we discuss and here we show so much of enthusiasm. So, mujhe samajh mein nahi aa raha hai ki ye kaisa gap. And if we see what has been collected last year, और अगर आप देखते हैं जो कमी आ रही है, डेफिशिट आ रही है, उसको कैसा पूरा करेंगे, आई मे बी रॉन्ग सर, बट ये गैप कैसा करेंगे, कैसा लाएंगे पता नहीं. शायद वैसा ही लाने वाले हैं जैसा ओल्ड सिटी में अदानी को दे रहे हैं, तो शायद दे आर हेल्पिंग, शायद अदानी. आई माइट बी रॉन्ग. प्लीज डू नॉट फील ओफेंडेड, बट आई एम थिंकिंग, आई मीन मैं समझ रहा हूं शायद वो भी कलेक्शन शायद अदानी कुछ करके देंगे शायद. आई डोंट नो. आई होप आई एम रॉन्ग. सिमिलरली द फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैज कोटेड एम्बिशियस टारगेट्स फॉर स्टेट ओन रेवेन्यू टारगेट्स फॉर द ईयर 24-25 इंक्लूडिंग रुपीज 18,229 करोड़ फ्रॉम स्टैंप्स एंड रजिस्ट्रेशन, रुपीज 25,617 करोड़ फ्रॉम स्टेट excise, rupees 33,449 crores from value added tax, 8,478 crores from motor vehicle tax, rupees 715 crores from electricity dues etc, totaling to rupees 86,518 crores. In 23-24, the state realized a receipt of rupees 72,503 crores from all these state taxes, and the state has to realize rupees 14,015 crore from these taxes in the year 2024 and 25. Bhatti Saab has projected non-tax revenues of rupees 35,208 crores in 2024 and 25 as against the actual non-tax receipt of rupees 23,819 crores in the year 23-24. The state has to realize additional rupees 11,389 crores in the current year, and here is the catch, sir. He has targeted to realize rupees 25,000 crores from auction and sale of government lands and plots in 24-25 as against the receipt of rupees 7,000 crores in the year 23-24. How can the government achieve the ambitious target of realizing an additional 16,678 crores from auction and sale of government lands and plots in the current year, especially when the real estate market is facing a downslide, sir? And I hope that, sir, again, I might be wrong. Ye zameen ke saath wo do bedroom ke jo flats banaye the, jo diye the, usme कुछ पैसे लेके वो भी ना बेचे, मैं उम्मीद करता हूं वो नहीं करेंगे, गरीबों को भरोसा था. अब ये आई वॉज लिस्निंग टू मिस्टर हरीश राव साहब, ही वॉज सेइंग 10,000 करोड़. नो सर, इट इज 16,678 करोड़. जमीन बेचकर जो पैसे लाएंगे बोल के उम्मीद है हुकूमत को, वो 16,670 करोड़ हैं. आई डोंट नो हाउ आर दे गोइंग टू डू इट. Similarly, ambitious targets are fixed for allocation and outlays for different sectors and figures cited in the budget speech and budget documents, which do not match at all, sir. Honorable panel speaker, sir, I have been always been debating and saying that the figures should match. The figures should match. But not a single figure is matching, sir. Sir, it's not like others, sir. Sir, me and my team, sir, we sit after the budget is presented for more than 18 to 20 hours, sir. We go into each and every detail, sir. We study, we see, and I'm really surprised, sir. Sir, ek figure budget ki speech mein rehta, ek jo hai so andar kitabon mein rehta,
एक जो है सो इकोनॉमिक सर्वे में रहता और एक मिनिस्टर साहब बोलते हैं. सो आई रियली डोंट नो विच फिगर शुड वी टेक सीरियस और विच फिगर शुड वी फॉलो. फिर बाद में सीएजी में जाकर देखते हैं तो वहां एक अलग फिगर रहता है. सर द प्रोजेक्टेड टोटल एक्सपेंडिचर इन द करेंट ईयर इज ₹2,91,059 crores एज अगेंस्ट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹2,11,854 crores इन 2023-24. फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैज प्लान एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹79,205 crore इन 24-25 कंपेयर टू 23-24 एंड वी डू नॉट नो हाउ फार दिस कैन बी अचीव्ड. सर टाइम विल गिव द आंसर टू दिस एंड आई एम विलिंग टू गिव द टाइम बिकॉज वी हैव टू गिव अ टाइम. सर कोई भी एकदम तो नहीं कर सकता है, वक्त देना चाहिए. द बीआरएस गवर्नमेंट हैज प्रेजेंटेड अ बजट विद प्रोजेक्टेड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹2,90,296 crores in the year 23-24, but the actual expenditure was only ₹2,11,854 crores, indicating shortfall of ₹78,442 crores. Sir, these are the figures, sir. These are not my figures. These are figures which are there, sir. Looking at this fact and figures, sir, it is obvious that the finance ministers follow in each other footstep by setting ambitious target and you know usko uncha bata dete hain, high kar dete hain figures ko to suit the government of the day. And it is nothing new, sir. When BRS was also there, they also used to do the same thing. Congress is also doing the same thing and I am also doing the same thing of you know criticizing the then government and the today's government and pointing out ke what is wrong, sir. And I'm going to continue doing that because you know I'm very consistent in my stand and people have also been very consistent in sending us always at the same position. One might come here, one might go there, but we are always here. Yeah. Sir, going into public debt, sir, I'm happy where I am, sir. I'm happy. Thank you. Sir, going to the state public debt, sir, in this budget speech, the finance minister saab blames the previous government for pushing the state into debt trap and cite the rise in the state's debt from 75,577 crore at the time of the state formation in June 2014 to ₹6,71,751 crore by the end of 23-24 financial year, sir. Sir, here I would like to point out, sir, however, the budget document includes the budget in brief and statement of fiscal policy and the FRBM Act show the state outstanding public debt. Sir, FRBM is showing, sir, public debt at 4,01,845 crores at the end of March 2024, sir. Apparently, sir, the finance minister saab adds the outstanding of the state's public undertakings, government guarantees with the state's own debt to inflate the total debt figure. सर, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? सर, ये चीज गलत है. दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. सर, दिस इज टेंथ अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग ऑन देयर फुटस्टेप्स ऑफ द बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट. सर, हम गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं बोल के, लेकिन हम खुद भी वैसे ही कर रहे हैं फिर. एंड वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग एंड एट द सेम टाइम वी वॉन्ट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दे से दैट वी आर इन द डेट ट्रैप. Sir, the government which has been seeking to restrict Telangana state borrowings and FRBM Act by clubbing the state's borrowing and the loans raised by the state public undertaking, sir, we cannot follow the same yardstick of the central government while calculating the state debt, sir. This is very important. We need to understand this, sir. Moreover, a major complaint of the Congress member while in the opposition was that, which I am witness to it, sir, was that the BRS government was not showing transparency in the state finances and it was hiding facts and figures about the actual state of affairs of state finances. Sir, but now the present regime also seems to be following the same footsteps of the earlier government. The fiscal policy statement under FRBM has to give all the details as required under, sir. Honorable Speaker, sir, it is required under the APFRBM Act and the rules frame
देयर अंडर एडॉप्टेड बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट ऑल्सो दीज इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग F1, F2, F3, फॉर्म्स D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. However, in the statement of fiscal policy tabled to the by the present finance minister and his BRS predecessor, full details are not provided in F1, F2, F3 statement as per rules and norms. Why are you not providing? Why are you hiding this, sir? Let it be transparent. Let everyone know. At least let the legislatures know. I hope that this has been taken a note and you're noting down this. This is very important, sir. However, sir, in the statement of fiscal table, F1 and F2, F3 statement as per rules and norms, sir, there are 10 statements, sir. Honorable Speaker, sir, going further ahead, sir, there are 10 statements in D category, sir. D1, D10. But the Telangana government statement of fiscal policy, only D1, D2, D3 and D6 statements are provided, while the remaining 6 statements are missing, thereby omitting crucial fiscal data such as D4. You know, sir, what is D4? The D4 is the guarantees given by the government. D5 is outstanding risk, outstanding weighted guarantees. D7, statement of assets. And D8 is tax revenues raised but not realized. D9, statement of liability of major works and unpaid bills on works and supplies. D10 is a statement of number of employees in government, public, state, public sector and aided institution and expenditure on salaries and pensions. So these are the details which needs to be provided. Why aren't you providing these details? Why are you not tabling it? What is there to hide? Why are you hiding it, sir? So we, through you, Honorable Speaker, sir, me and my party would request Bhatti Saab to table a revised statement of fiscal policy in the House before the appropriation bill is introduced. Furnish all the required details as per FRBM Act and rules, including D4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 statements, sir. Sir, in the absence, Honorable Speaker, sir, in the absence of D10 statement of fiscal policy tabled in the House, we had to go to the appendix of the budget estimate, volume 8, 2, relating to employee strength of the government, sir. Itna mushkil hui, sahab. 2 ghante to sirf ye dekhne mein chale gaye. Wo nahi tha bolkar. Sir, when I was going through, we had to manually tabulate the employee strength details of 191 government department and wings. 191. The total strength of the government employees as per our tabulation, me and my team, sir, comes to 4,88,614, excluding the employees of urban and local bodies, market committee, universities, public sector undertaking and aided education institution, work charges, wages, contract, outsourcing employees. However, Finance Minister Saab says that there are 3,69,000 government employees and 2.87 lakh pensioners from March 24 onwards, sir. When I was going to through all the details, I found it to be 4,88,614. Now, I fail to understand. Shall I go with this number or the number mentioned by the Finance Minister, sir? How did he come to that? I need a clarification on that, sir. Sir, about 8,000 government employees are retiring this year from the services in Telangana state, sir. Government need to provide their retirement benefits to them. Now, coming to the Congress guarantees and other promises, sir, contained in the manifesto and other implementation of the government, we would like to go into the specifics, sir, one by one, sir. Sir, Bhatti Saab has reiterated the commitment of the Congress government to implement all 6 guarantees.
Given in the party's election manifesto, he says that the Congress government is also committed to fulfill all other manifesto promises than time-worn mannerism. Sir, I wish him my best of wishes and best of luck, and I would lend all my support for fulfilling this promise. Sir, we may recall that the Congress manifesto contains 6 guarantees with 12 components under the Abhaya Hastam manifesto, including Mahalakshmi with 3 components, Raitu Bharosa with 2 components, Gruha Jyoti 1 component, Indramma Indulu 2 components, Yuva Vikasam 2 components, Cheyata with 2 components. Honorable Speaker, sir, going further ahead, sir, I would like to compliment the Congress government. Sir, it is not that I just criticize, sir, I also do compliment. Sir, I would like to compliment the Congress government for implementing 8 out of the 12 components of 6 guarantees, including 2 components, free bus transport for women and LPG cylinders at ₹500 under Mahalakshmi, 1 component each under Gruha Jyoti, 200 unit free electricity, and Chayuta Rajiv Aarogyashri scheme, sir. Sir, under Mahalakshmi, the promise of providing monthly financial assistance of ₹2,500 to the woman remains unfulfilled. I hope that this will be fulfilled. This would be also taken care, and the promise will be fulfilled, sir. Under Raitu Bharosa, enhancement financial assistance to farmers and tenant farmers and assistant to agriculture labor are yet to be implemented. But thankfully, budgetary allocation have been made in the state budget now. Similarly, under Indramma Indulu, house site and financial assistance of ₹5 lakhs are to provide to each homeless families, and budgetary allocation has been made for the scheme. Sir, another promise of providing 250 square yards of house sites to all the Telangana movement fighters remain unfulfilled, sir. I hope that this will be fulfilled soon. Sir, under Yuva Vikasam, the government is yet to launch the scheme for providing Vidya Bharosa cards for the opening of Telangana international schools in all mandals. The government is yet to fix the time frame for enhancing the monthly pension of ₹4,000 for senior citizen, widow, single woman, disabled, BD workers, toddy wrappers, beavers, AIDS, filaria, kidney patients, etc. Currently, the Asara pension, now renamed as Chayuta, are paid at the existing rates only. There are delays in disbursement of these pension to the beneficiaries. We may recall here that the government has invited applications under 5 guarantees except Yuva Vikasam during the Praja Palna program almost 7 months ago. The finance minister sahab says that the government received 1.09 crore applications during the Praja Palna program. However, the Praja Palna daily report on the concluding day, 6 January 24, points out that 1,05,91,636 applications were received for schemes under 5 guarantees and 16,90,278 applications for other schemes, and the total number of applications is 1,25,84,383. Sir, Honorable Speaker, sir, through you, I would like to ask the Finance Minister Saab and the government, what is the fate of the application received under 5 guarantees and other schemes? Poor people spend crores of rupees to apply Praja Palana application. Sir, each applicant had spent on Xerox copy of 100. Also, agar 100 rupees bhi agar hum le lete hain, saab, to bichare gareeb ke, गरीब अगर 100 रुपये भी कुछ जीरोक्स करा के अप्लीकेशन दिया, 100 रुपये या रक्षे में गया, ऑटो में गया एक अप्लीकेशन डालने के लिए, तो जुमला दरखास्तें 1,25,00,000, 100 रुपये के हिसाब से कितने पैसे गरीबों के चले गए साहब, कितने चले गए आप बोलिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने पैसे गरीब ने खर्चे हैं उससे बढ़ के आप उसको देंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं साहब। Obviously, and I'm sure you will give, bhai. Aap bura mat maniye, please. Don't get upset, sir. Sir, rupees 125.85 crores on one day, their wages of rupees 500, sir, aur uska daily wages 500 rupees hai, sahab, uska.
उन्हें जाके काम करता, वो डेली वेजेस पे भी नहीं गया उन्हें, नहीं भाई सिलेंडर मिल रहा, नहीं भाई फाई गारंटी मिल रही, नहीं भाई ये मिल रहा, सब लाइन में ठहरे हुए, चिलचिलाती धूप है, मुझे वैसी दिख रहा था, मिस्टर मोदी का डिमोनेटाइजेशन भी है वैसी दिखा, और ये आपकी गारंटी की दरखास्त भी वैसी दिखी कि धूप में खड़े हैं, दरखास्त दे रहा है गरीब उम्मीद में, मुझे दिखा वैसा। देखिए प्लीज सर, सर ऑनरेबल स्पीकर सर, वी हैव टू बी टॉलरेंट सर, वी हैव टू हैव पेशेंस सर, वी कैनॉट बी सो इनटॉलरेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, ट्रेजरी बेंचेस शुड नॉट फील बैड सर अबाउट इट सर, मैं अच्छी बात कर रहा हूं, गलत बात क्या कर रहा हूं, मैं मोदी साहब को भी तनकीद कर रहा हूं, और मोदी साहब की वो बात को भी याद कर रहा हूं कि मोदी साहब किस तरीके से डिमोनेटाइजेशन के नाम पे लोगों को लाइन में खड़ा दिए थे, लोग गिर रहे थे, पड़ रहे थे, और वो डिमोनेटाइजेशन ही वजह थी जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी तबाह हुई, और आज गरीब आपके भी फाइव गारंटीज के उम्मीद में तवक्को में मजदूरी को नहीं गया, अपने एक दिन की तनख्वाह काटा, जेब से पैसे निकाल कर 1,25,00,000 दरखास्तें दिया है, जरा हमदर्दी के साथ इनका काम करिए, इतना ही कह रहा हूं, यही कह रहा हूं सर। और सर वेन सर, अब जैसा ये लोग गुस्से में आ रहे, ऑनरेबल स्पीकर सर, गवर्नमेंट वाले गुस्से में आ रहे, मैं ऐसा बोला सर, आई रिमेंबर सर देन व्हेन आई स्पोक ऑन डिमोनेटाइजेशन, उस वक्त भी ये लोग गुस्से में आए थे, आई वॉज द ओनली पर्सन हु स्टूड एंड सेड के आई अपोज द डिमोनेटाइजेशन, तो आई रिमेंबर केसीआर साहब उठ के बोले, अकबर साहब वो प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अकबर साहब आपके जुमले गलत है, डिमोनेटाइजेशन अच्छा है, ऐसा बोले केसीआर साहब, मुझे याद है आज वो भी। और ये और सर डे बिफोर वी वर हैविंग अ डिस्कशन ऑन द फाइनेंसेस सर, उस वक्त भी सर, वन कैन टेक आउट द रिकॉर्ड्स एंड चेक एंड से सर, आई हैड मेंशन आई वाज द वन पर्सन हु स्टूड इन द हाउस ऑफ तेलंगाना असेंबली एंड सेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट गिविंग अस अ ड्यू शेयर, देन ऑल्सो द देन चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब उठे और बोले मुझे, अकबर साहब आप बेफिक्र रहिए, एक भी पैसा हमारा नहीं जाएगा। और फिर एक दो साल के बाद वही केसीआर साहब बोले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे नहीं दे रही। अब उस पर फिर यही बात हो रही है, इसलिए मैं कहता हूं सर, देखिए साहब इसलिए मैं कहता हूं, हम बोलते रहे सर, आई वॉज द वन पर्सन हू अपोज द डिमोनेटाइजेशन, आई वॉज द वन पर्सन हू सेड जीएसटी सर, डिवोल्यूशन फंड्स, हमारे स्टेट का शेयर नहीं आ रहा है, तो देन केसीआर साहब उठकर बोले, नो वी आर गेटिंग ऑल द शेयर, आई सेड वी आर नॉट गेटिंग, आई चैलेंज इट, बोले। सीधर बाबू साहब भी थे, भट्टी साहब भी थे, यू आर विटनेस टू इट सर, एंड जाना रेड्डी साहब ऑल्सो सपोर्टेड मी देन, बट नोबडी हैड लिसन। तो हमारी तो खैर किस्मत है साहब, हम यहां ठहरते हैं तो हर वक्त हमको वहां से भी लोग गुस्से में बहुत आते हैं, आंग पे गिरते हैं, है कोई भी कुछ कर ले, हम हक बयान करते रहेंगे, इजारे हक से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे, जो हक है जो सही है वो बोलते रहेंगे, और तेलंगाना की मफाद में जो सही है वो बात हम करते रहेंगे, कोई हमारी बात को माने या ना माने, हम हक बोलते रहेंगे और जो बात सही है वो कहते रहेंगे। सर आफ्टर सर आई वुड सर वी वुड लाइक सर अंडर रूना माफी फार्म लोन वेवर स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट हैज डिसबर्स रुपीज 6,035 करोड़ टू इवन 11,34,000 फार्मर्स सर टूवर्ड्स वेवर ऑफ लोन अप टू 1,00,000, द रिमेनिंग लोन्स ऑफ रुपीज 2,00,000 विल बी वेव्ड ऑफ सून सर। सर द फंड्स फॉर फार्म लोन वेवर द फॉर्मुलेटिंग स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस टू एक्सक्लूड बिग फार्मर्स आर एस्टिमेटेड एट रुपीज 31,000 करोड़ सर। The finance minister has assured that right to bharosa installments will be released to the real farmers after the cabinet subcommittee constituted for the purpose frames and guidelines and implementation of the revised scheme after excluding all the big farmers and other ineligible categories. Sir, I just remembered, sir, which a point, an important point which I had skipped, sir. Sir, about the application received, sir. Sir, I was hearing in the council
Mr. Uttam Kumar Reddy had given a reply to a question. Civil Supplies Minister Mr. Uttam Kumar Reddy Saab told that the council, while answering a question a few days ago, that the cabinet subcommittee is being formed to formulate the rules and format for the issue of new ration cards. Sir, aap har ek cheez ration card se kar diye. Chahe kisano ke kharch ki maafi ho, ration card. गैस सिलेंडर होने दो राशन कार्ड से, हर एक चीज को राशन कार्ड से. तो राशन कार्ड बहुत सारे लोगों के पास नहीं है. सारे के सारे जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं वो राशन कार्ड के आए हैं. इस हुकूमत से हम बार बार कहते रहे, साबिका हुकूमत से, उन्होंने इस बात पे तवज्जो नहीं दी, जिसका नतीजा कि वहां से यहां आना पड़ा. मैं आपसे कहूंगा कि राशन कार्ड एक बहुत बड़ा मसला है, इस मसले को हल करिए. इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट All the government schemes for the beneficiary will be dealing from the white ration card, sir. Sir, I would like the government to clarify on this, sir. White ration card se dealing karenge bol rahe hain. Please, aap isko clarify kariye, sir. Sir, Bhatti Sahab has earmarked rupees 31,277 crores for farmers, including rupees 11,395 crores for farmers and tenant farmers, and rupees 905 crores for agricultural labor under Raitu Bharosa, rupees 1,358 crores for payment of bonus of rupees 500 per quintal on procurement of 33 varieties of paddy, rupees 15,470 crores of farm death waivers, and rupees 1,168 crores for Raitu Bima, and rupees 981 crores for crop insurance, excluding the allocation, excluding the allocation under SC, ST, SDF. The allocation in 2023-24 includes rupees 11,629 for Raitu Bandhu, rupees 76 crores for bonus and paddy, and rupees 1,169 for Raitu Bima, and 171 crore for crop insurance, totaling to rupees 13,044 crores. Sir, hence the Congress government has provided only an additional allocation of 2,763 crores for the existing schemes for farmers, excluding farm loan waivers. It looks like the farm loan waiver scheme will spill over the next year's budget, as the government has to make huge allocations to clear all the dues under farm waivers. And now, talking about Mahalakshmi free bus, sir, the finance minister has pointed out that 68.60 crore travel were made on RTC buses by women under Mahalakshmi free bus ride scheme since 9 December 2023, and saving of women on the score worked out to rupees 2,351 crores, sir. Sir, as per our information is that the Telangana Road Transport Corporation has been provided with rupees 1,740 crores towards free bus ride scheme for women so far, and rupees 611 crores are yet to be released, sir. Sir, iske saath hi saath ye bhi vaada kare the ki auto walon ka khayal karenge. Auto walon ka khayal karna chahiye, ab tak khayal nahi hua. ठीक है, इलेक्शन के बाद इलेक्शन आया, वक्त देना है, हम वक्त दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ऑटो वालों का ख्याल करेंगे. सर, देयर इज व्हेन आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द डिमांड्स ऑन ट्रांसपोर्ट, आई विल गो इनटू द डिटेल्स. सर, मगर पर ये बोलता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा कि बहुत सारी पुराने बसें, वो पुरानी बसों का फेट क्या होगा, नई बसेस लेंगे. सर, इन द कॉमन मैन लैंग्वेज, सर, एवरी डे 30.62 lakh women availed free bus ride, and RTC had to forego ticket revenues of rupees 10.50 crore per day, sir. As per this data, the RTC needs to be provided with reimbursement of rupees 3,832.50 crore for a full financial year, but the budget of 24-25 and marks only rupees 3,082.50 crores for the scheme, excluding the allocation under SC, ST, SDF, sir. However, there are variations about beneficiaries, sir. 68.60 crore travelers on the scheme as per the budget speech, sir. And 62.13 crore woman passenger as per social economic survey. So, sir, main aapse request kar raha hu, sir, bar bar. Ye figures ke aaste boliye, sir. Please, sir. मिनिस्टर साहब बजट स्पीच में एक फिगर बोलते, सोशो इकोनॉमिक एक फिगर बोलता, सीएजी एक फिगर बोलता, फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो कुछ और फिगर बोलते. अब आप अदानी का ही ले लीजिए, ओल्ड सिटी को अदानी को दे दे, बोले दिल्ली में, बोले सीएम साहब, बोले
फिर यहां पे मिनिस्टर साहब बोले नहीं ऐसा कोई नहीं बोले, कोई नहीं करने वाले हैं। फिर आप देखिए दावोस में 40,000 का लेके आए, यहां पे इसमें आता ही नहीं। तो ये चीजें हैं सर, वी नीड टू करेक्ट दिस सर। सर अबाउट द एलपीजी सिलेंडर सप्लाई सर, एंड महालक्ष्मी स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एलपीजी सिलेंडर एट ₹500 लॉन्च्ड 27 February 2024 द फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैड सेड दैट द 39,57,637 फैमिलीज अवेल द स्कीम। सो फार द गवर्नमेंट स्पेंड ₹200 crore ऑन द स्कीम। अवर इंफॉर्मेशन इज दैट 14.57 lakhs फैमिलीज आर अवेलिंग द स्कीम, entailing an expenditure of ₹72.89 crore on state exchequer, and this figure is as per sir social economic survey of 2024. You can see it on the page number 105 if I am wrong. फिर देखिए साहब गलत बोलते हैं, स्पीच में एक बात बोलते हैं, सोशल इकोनॉमिक आपका सर्वे एक बात कहता है। द बजटरी एलोकेशन फॉर एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी स्कीम इज ₹723 crore एक्सक्लूडिंग द एलोकेशन SC ST SDF, वेयर एज एस्टिमेट इज दैट मोर फंड्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ बेनिफिशियरी। हियर टू सर ऑनरेबल स्पीकर सर, हियर टू देर आर वेरिएशन बिटवीन द फिगर साइटेड इन बजट स्पीच। बजट स्पीच में ये कह रहे हैं 39.57 lakhs बेनिफिशियरीज, सोशल इकोनॉमिक सर्वे सेज 54.75 lakh बेनिफिशियरीज एंड 58.3 lakh बेनिफिशियरीज एज पर पेज नंबर 91 and 106। सर यू हैव टू कम फॉर द रेस्क्यू सर, यू हैव टू इश्यू इंस्ट्रक्शंस एंड स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स इफ अगेन रॉन्ग फिगर्स आर टेबल्ड इन दिस हाउस एंड एक्शन विल बी इनिशिएटेड। सर ये देखिए मैं मिनिस्टर साहब को नहीं बोलूंगा सर, मिनिस्टर साहब को जो डिटेल्स ब्यूरोक्रेट जो ऑफिस देता है वो बेचारे वो पढ़ते हैं, लेकिन ये जो देने वाले हैं उनको तो कम से कम पढ़ना चाहिए सर। हु इज प्रिपेयरिंग दिस? व्हाई आर द फिगर्स नॉट मैचिंग सर? दिस इज द रिस्पॉन्सिबल प्लेस वेयर वी इनैक्ट अ लॉ, वेयर वी अप्रूव अ बजट फॉर द स्टेट, वेयर वी टेक डिसीजंस। दिस हाउस, द सैंक्टिटी ऑफ दिस हाउस इतनी ज्यादा है, और इसकी आज हम इसके मुकाम की इज्जत को पामाल कर रहे हैं। मैं कहूंगा सर कि इट इज वेरी बैड सर। इतने बार मैं बार बार कहता हूं कि फिगर्स, आई डोंट नो हु आर द पीपल रेस्पॉन्सिबल सर। सर योर ऑफिस शुड लुक इन टू दिस डिमांड ऑफ माइंड सर। सर द बजटरी एलोकेशन फॉर इंद्रम्मा इंदलू स्कीम एज पर द बजट बुक ऑन हाउसिंग डिमांड नंबर 18 एंड ₹2,336 crore एक्सक्लूडिंग द एलोकेशन SC ST SDA, बट द अमाउंट रिक्वायर्ड वुड बी 10 times मोर देन ₹23,360 crore सर। इफ द एलोकेशन आर पैक्ड एट द करंट रेट ओनली 1/10 ऑफ द सैंक्शन हाउसेज इन अ ईयर विल बी कंस्ट्रक्टेड सर। वी मे पॉइंट आउट दैट द कांग्रेस गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोवाइड असिस्टेंस ऑफ 25 lakhs अंडर इंद्रम्मा इंदलू स्कीम एंड वी डोंट नो हाउ मेनी इयर्स इट विल टेक टू अचीव द टारगेट सर। सर आई एम रिमाइंडेड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 4 July एंड रिक्वेस्टेड हिम टू सैंक्शन 2.5 मिलियन हाउसेज अंडर PMAY एंड इवन स्टेटेड दैट द स्टेट वाज प्रिपेयरिंग टू अलाइन इट्स गाइडलाइन विद दोज ऑफ PMAY। इन द बजट फॉर द हाउसिंग एंड एलोकेशन ऑफ ₹4,644 crore इज मेड फॉर PMAY एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सर जब हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको देरी च नहीं है, तो फिर ये डालना क्या मायने रखता है सर? व्हाट इज द सेंस बिहाइंड दिस? सर देयर इज अ नीड to clarify on the housing scheme in the state, including the fate of 2 BHK housing schemes of the earlier government, sir. Sir, before the assembly election, sir, 2-bedroom ke allottees ko unka inquiry hui, dekhe kare, allotment hua, chabi de diye, sab de diye. Uske baad wo possession bhi lene gaya, usko nikal diye, rok diye. What is the fate of that, sir? Sir, I'll give you an example in my constituency, sir. They were MCH quarters. एक एक क्वार्टर बड़े बड़े घर थे सर, डिलैपिलेटेड कंडीशन में थे। सर आई वेंट एंड आई स्पोक टू देम, उनको समझाया, उनको बताया कि देखो भाई आपका एक घर, ये 4 घर 10 घर में एक बड़ी बिल्डिंग आती है। सर आई इवेक्टेड सम 200 houses सर, बिग हाउसेस, एंड 2-bedroom housing वॉज कंस्ट्रक्टेड सर। सर ये 2-bedroom के हाउसेस कंस्ट्रक्ट करें ऑन द अश्योरेंस गिवन बाई मी एंड अ पट्टा सर्टिफिकेट, पोजेशन सर्टिफिकेट, एवरीथिंग वॉज गिवन टू दोज पोजेशन होल्डर्स ऑफ द MCH क्वार्टर्स ऑन माई अश्योरेंस एंड ऑन माई प्रॉमिस एंड द पट्टा सर्टिफिकेट इशूड बाय द कलेक्टर।
दे इविक्टेड, दे गेव देयर पोजिशन, टू बेडरूम हाउसिंग बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड, द बेनिफिशियरी वे सेलेक्टेड इंक्वायर्ड, और आज उनको जब देने की बात आ रही है तो नहीं दे रहे. सर इज दिस राइट? सर सर एनीबडी इज देयर, द गवर्नमेंट इज देयर, एनी रिप्रेजेंटेटिव हु टेक्स अ डिसीजन, अ रिप्रेजेंटेटिव विल बी देयर. द गवर्नमेंट टूडे इज वन ए, टुमारो इट विल बी बी. अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इज टूडे इज ए, टुमारो इट कैन बी बी. बट दैट डजेंट मीन अ प्रॉमिस मेड बाय द गवर्नमेंट एंड अ प्रॉमिस मेड बाय द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव विल नॉट बी फुलफिल. सर इट इज सो सैड सर. हम खाली कराए, आई कैनॉट गो इन दैट एरिया सर. वेन एवर आई गो देयर द वुमन आर कमिंग लिटरली सर. वो लोग आके घेर ले रहे हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं कि अकबर साहब आप बोले थे और आपकी जबान पे हमने खाली किया, बिल्डिंग बनी, आज हमको नहीं दे रहे हैं. क्यों नहीं दे रहे हैं सर? ठीक है, आप बेनिफिशियरीज को सेलेक्ट कर लीजिए, इंक्वायरी करा लीजिए, पुलिस से करा लीजिए, जो भी करना है फिर से करा लीजिए. आप दे तो दीजिए अल्लाह के वास्ते उनको, जंगमेट में, बल्लागोड़ा में, कई जगह पर. दिस इज वॉट इज हैपनिंग सर. सर गोइंग फर्दर हेड सर, सॉरी सर, आई एम नॉट वेल सर, अनवेल, बट स्टिल आई हैड टू पार्टिसिपेट इन दिस बजट स्पीच, सो आई हैड कम सर. सर वी बिलीव दैट द बेनिफिशरीज डू नॉट चेंज विद एवरी चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, सो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट थ्रू यू टू द गवर्नमेंट सर, काइंडली अलॉट दोज बेनिफिशरीज हु वेर सेलेक्टेड आफ्टर द ड्यू प्रोसेस ऑफ द अथॉरिटीज एंड द कलेक्टर हैदराबाद ऑफ सेलेक्टिंग द बेनिफिशरीज, काइंडली अलॉट देम सर. Sir, we welcome the announcement of Finance Minister Saab that the Telangana Artificial Intelligence Summit, within the them making AI work for everyone, will be held in Hyderabad on 5th and 6th of September 2024 and attended by 2,000 experts from all over the world, sir. Truly, this will help Telangana progress in AI sector, and we hope that the wider use of AI enabled in government services and administration will improve their functioning and efficiency also, sir. Sir, there is also, sir, important, sir, there is also a need to train the government employee in the use of artificial intelligence so that they can easily adapt to technology of the future. And I'm sure, sir, agar AI technology implement ho jayegi na, sir, to minister sahab ki speech ka figure bhi wohi rahega, CAG ka figure bhi wohi rahega, इकोनॉमिक सर्वे का फिगर भी वही रहेगा. बट वी हैव टू ट्रेन सर. सर नेसेसरी सर फॉर दिस सर नेसेसरी बजटरी एलोकेशंस हैव टू बी मेड फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन द कमिंग ईयर सर. आई मे से दैट फाइनेंस मिनिस्टर साहब कुड हैव अवॉइडेड द डिस्क्रिपेंसी इन डेटा फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन द स्पीच बजट डॉक्यूमेंट्स एंड सोशल इकोनॉमिक सर्वे इफ एआई वॉज इफेक्टिवली यूज सर. सर गोइंग फर्दर हेड सर अबाउट मिशन भागीरथा सर, a survey has been taken sir, and I would like to just skip this sir, and I will speak sir, but just one two sentences sir. Rupees 2500 financial assistance scheme for women under Mahalakshmi sir. Sir, lakhs of women have voted enthusiastically for the Congress party in the assembly election and also in the subsequent Lok Sabha elections in the state, as they were enthusiastic by the Congress guarantee by providing financial assistance of 2500 under Mahalakshmi sir. Lekin wo gareeb auraton ko ab tak nahi mila hai. Main ummeed karta hu honorable speaker sir ke hukumat is par bhi gaur karegi sir. However, for all these schemes for women, the budgetary allocation under rural development demand is only 987 crores for Dhaka, zero interest loan, loan bima, SHG accident bima, NSHG and Telangana Mahila Shakti scheme excluding the allocation SC ST SDF as per the budgetary documents sir. Sir, coming now to the development of Hyderabad sir. Honorable speaker sir, we welcome the initiative being planned by the Congress government for development for developing Hyderabad into a global city sir. The finance minister sahab has announced a budgetary allocation of a total of 10,000 crores for development of Hyderabad. In this year, budget includes 3,065 crore for GHMC, rupees 3,385 crore for Hyderabad Metro Waterworks, rupees 1,500 crore for Musi
रिवर फंड डेवलपमेंट रुपीज 1100 करोड़, फॉर मेट्रो रेल रुपीज 200 करोड़ फॉर ईच हाइड्रा एंड आउटर रिंग रोड एंड रुपीज 50 करोड़ फॉर MMTS. सो द मूसी रिवर फंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एम्स टू इंप्रूव 110 किलोमीटर्स ऑफ अर्बन एरिया बाय टेकिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क सच एज रिक्रिएशन वंस, पीपल प्लाजा, चिल्ड्रन थीम पार्क, एंटरटेनमेंट जोन्स, ब्रिजेस, STPs एंड अलोंग द मूसी ऑन द लाइन्स ऑफ थेम्स रिवर प्रोजेक्ट इन लंडन. सर, द चीफ मिनिस्टर हेमंत रेड्डी साहब हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द मेट्रो लाइन इन द ओल्ड सिटी एंड एक्सटेंशन ऑफ शमशाबाद एयरपोर्ट. सर, सो ऑनरेबल स्पीकर, सर, सर, आई नीड एन आंसर. सर, सो द आंसर इज, सर, in the year 2021-22 800 crores were allocated for Hyderabad metro, 2022 and 23 500 crores were allocated, 23-24 sir 2427.35 was allocated, 24-25 1100 was allocated, out of that 500 was allocated for old city. Sir, in all these years allocations were made but not a single paisa was released. हाँ, ये अलग बात है कि L&T के लॉसेस के लिए पैसा दिया गया था. सर, दे रिलीज द अमाउंट फॉर द लॉसेस ऑफ L&T, सर, बट द अमाउंट वॉज नेवर रिलीज फॉर द होल सिटी. सर, सर, नाउ ऑल्सो, सर, 24-25 1100 इन दिस 500 इज फॉर होल सिटी, सर, 100 फॉर एयरपोर्ट, सर, फिर वो सर्वे अर्वे 100 HMR के लिए दिए. सर, नाउ माई क्वेश्चन, सर, सर, एवरीबडी we had a foundation stone ceremony, sir. Honorable CM Saab had laid the foundation. I thank him very much for laying of the foundation, sir. It is a welcome move. But the question which needs to be answered is, who is going to execute the work? Who has been allotted with the work? Who has been asked to complete the work? Who has been asked to collect the ticket amount after laying of that corridor? Who's going to maintain that line? None? No? My friends from Congress were upset and angry also. Mr. Akbar, you never attended the Old City Foundation Stone. Yes, I say now. I say now, I didn't attend. The reason behind is that there was no agency which was given the contract to execute this work. This is how you lay the foundations? Without a tender being called, without a contract being given, without an agency has been given the responsibility of the work, you have to just lay the foundations? Is this justice? Kya ye insaaf hai? Kya ye insaaf hai purane shahar ke saath? फाउंडेशन स्टोन रख दिए, कॉन्ट्रैक्टर का आता है ना पता है. एल एन टी सेज के वॉट एवर अमाउंट वॉज गिवन टू मी वॉज अप्रूव फॉर द कॉरिडोर्स, आई हैव ऑलरेडी स्पेंड दैट अमाउंट, आई डू नॉट हैव द अमाउंट, आई एम नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट द ओल्ड सिटी कॉरिडोर. सो द क्वेश्चन अराइजेस के हु इज गोइंग टू एग्जीक्यूट द ओल्ड सिटी कॉरिडोर? वाई हैज द फाउंडेशन बीन लेड? वाई हैज इट बीन लेड? कब तक हमको बेवकूफ बनाया जाएगा? सर, ये सही नहीं है. मैं उम्मीद करता हूं कि दिस विल बी करेक्टेड एंड इमीडिएटली ओल्ड सिटी मेट्रो कॉरिडोर वर्क इज गोइंग टू स्टार्ट. सर, इट इज वेरी सैड. सर, आई वेलकम, सर, वी अंडरस्टैंड दैट द हैदराबाद मेट्रो ट्रेन हैज डिक्लाइन टू फुलफिल द obligation of laying the old city line for corridor from Imliman to Falaknuma, sir. But at the same time, sir, we welcome that Honorable Chief Minister Saab had said that Chandran Gutta will be made a hub and airport se aa raha hai, sab aa raha hai. BRS ne bhi humare saath na insafi ki, humare saath insaaf nahi kiya. Baar baar bolte rahe ke purane shahar mein metro, haan la lenge, rail ke chuk chuk chalegi. KTR saab ne assembly mein kaha tha yahi se, haan Akbar saab, chuk 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 chalegi. Aapke paas na chuk chuk hai na kuch hai, kuch bhi nahi hai, nahi chal rahi hai. Sir, pure shahar mein chal rahi. Sir, honorable speaker sir, I want to come on this record and say this, sir. If I am wrong, sir, I would say that I may be suspended from this house, sir. When did the metro came? How did the metro came to Hyderabad? Sir, it was me, sir. I stood and I argued and I debated and I fought for metro, sir.
Sir, I remember the late legislator, Mr. Janardhan Reddy Saab, Khairatabad MLA. He used to stand and he used to say, Nahi Akbar Saab, metro nahi, mono hona. So I and Janardhan Reddy used to fight. Mono metro, mono metro. I remember Rajshekhar Reddy Saab. He stood up and he said, Akbar will do one thing. We'll go to Delhi. We'll see the metro. You are saying the metro is very good. Yes, we'll do it. Satyam tha saab, Satyam. Satyam ko diya gaya tha Maitas. उल्टा सत्यम का माइटास, फिर वो सत्यम डूब गया, माइटास से चला गया. राजशेखर रेड्डी साहब, वी विद अ डेलीगेशन वेंट टू दिल्ली सर, वी सॉ द मेट्रो, और उसके बाद में मेट्रो हैदराबाद को आया. मेट्रो को जो लाया उसके एरिया में छुक छुक नहीं है, मेट्रो नहीं है, पूरे शहर में फिर रही है. इससे बड़ी ना इंसाफी और क्या होना है सर. ठीक है, हमको नहीं दिए ना, हम पैदल चलते थे, पैदल चलने में ही खुश है. हम साइकिल पे थे, साइकिल में ही खुश है. हम रक्षे में थे, हम रक्षे में ही खुश है. मगर पुराने शहर के लोग मुंतजर हैं, समझ रहे हैं कि आप लाएंगे मेट्रो. प्लीज मेट्रो को लाइए सर. इसी के साथ आपकी खबरों का ये सिलसिला यहीं पर खत्म होता है. मिलते हैं अगली खबरों के साथ.